नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता राणा अग्रवाल है। मैं एक आई सर्जन हूँ, लेकिन इसके अलावा अब मैं जेनेटिक सर्जरी, जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी भी करती हूँ। हम डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल से हैं, 15 ईगल स्ट्रीट, बेंगलोर 25। रेटिनल डिजेनरेशन का अर्थ है कि हमारा जो रेटिना, जो नसों का लेयर है, उसमें कोई ना कोई डिजेनरेशन आ चुकी है। ये डिजेनरेशन कंजेनेटल हो सकती है, अक्वायर्ड हो सकती है, मतलब अडल्ट लाइफ में भी आ सकती है। इतने सारे कारण हैं इसके, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट महत्व कारण है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। ये एक रेटिना पे डिजेनरेशन आ जाता है, जो आज हम समझते हैं कि शायद ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए है। इसलिए हम हमेशा एवरी प्लेटफॉर्म में ये बोलना चाहते हैं आपको कि बच्चों को भी सनग्लासेस पहनाइए, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रोटेक्शन हो, और आप भी खुद ये पहनिएगा। अब इस डिज़ीज़ के लिए, इस एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए दो वेराइटीज़ हैं, एक वेट और एक ड्राई, मतलब गीला और सूखा। जो गीला वैरायटी है, उसका अर्थ ये है कि वो खून एंड फ्लूइड्स को लीक कर रहा है, तो पर्दे को और भी मोटा कर देता है। जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ निकली हैं दुनिया में, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक ग्रोथ फैक्टर है, उसको बोलते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसके एंटी हमने एक दवाई बनाई है, विच इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, IgG1 टू VEGF। तो ये एंटी VEGF हुआ, और इसके ज़रिए जो ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनते जा रहे हैं, ये जो नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, ये हमेशा कमज़ोर होंगे, क्योंकि ये वो नहीं थे जो आपके बने थे जब आप अपने मम्मी के पेट में थे। ये वो हैं जो अभी आप अडल्ट लाइफ में बने हैं, इसलिए ये कमज़ोर हैं, इसलिए ये कहीं पे भी लीक कर सकते हैं। अब हम एंटी VEGF आपको देंगे, तो ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। ये एंटी VEGF 3-4 वैरायटीज़ हैं। इसका एक इंजेक्शन का कॉस्ट $2,000 का आता है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी अब हमारे पास जीन थेरेपी है, जहाँ पर हमारे बहुत आसान तरकीब है। हम आप ही का खून लेंगे, एक बूंद खून उंगली से, और इसको हम बनाएंगे आपका फीटल डीएनए, आपका डीएनए जो आपका था जब आप मम्मी के पेट में थे, उसको हम इंजेक्शंस के ज़रिए आपके स्किन ऑफ द आई में देंगे। ये आपके पर्दे को जाके इम्पैक्ट करेगा, और ये पूरा रेटिनल डिजेनरेशन निकालने की क्षमता रखता है।